स्वागत है दोस्तों एम्पलीफायर टेक्निक में। आज हम इस मॉड्यूल के बारे में समझेंगे, ये मॉड्यूल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और इसमें क्या क्या लगा हुआ है। ये दोस्तों चार चैनल का मॉड्यूल है, एक चैनल ये वाला है और एक चैनल ये है, एक और एक है दो प्लस दो इसके दूसरे मॉड्यूल में बने हुए हैं। इसमें इस सर्किट को बनाने के लिए इसके अंदर मॉस्फेट लगा हुआ है, एक इस चैनल में एक इधर को लगा हुआ मॉस्फेट और एक ये इधर को लगा हुआ है। इस चैनल के लिए ये मॉस्फेट लगा हुआ है, इस चैनल के लिए मॉस्फेट लगा हुआ है। ये डायोड लगा हुआ है लो वोल्टेज के लिए, एक इसके लिए इधर लगा हुआ है, ठीक है। और इस मॉस्फेट का नंबर है 76N25 और इसमें ये डायोड लगा हुआ है जिसका नंबर है 3060। ऐसे ही इसके सामने वाले साइड पे भी उसी नंबर के मॉस्फेट और डायोड लगा हुए हैं, ठीक है। इस मॉड्यूल में ये जो सप्लाई जैसे ये दी हुई है, ये सप्लाई इस फ्यूज के थ्रू सीधा अमीटर पे जा रही है और ये सारे अमीटर पे जुड़े हुए हैं, रेजिस्टेंस है सारी अमीटर पे जुड़े हुए हैं, इसी पे सप्लाई दी हुई है। आम तौर पर इधर पॉजिटिव दी हुई है, इधर को नेगेटिव दी हुई है। आमतौर पर जो हम सर्किट अधिकतर जो चेक करते हैं उसमें सप्लाई कलेक्टर पे दी हुई होती है और अमीटर से आउट हो रहा होता है सिग्नल स्पीकर के लिए। इसमें सप्लाई जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू अमीटर पे दी हुई है और अमीटर से ही आउटपुट के लिए सिग्नल बाहर आ रहा है, तो उसके लिए इसमें कंडेंसर यूज़ करे हैं। एक कंडेंसर एमीटर से लगा हुआ है और दूसरा इसके एमीटर से लगा हुआ है, दोनों के मिलने के बाद में ये जो इसमें ब्लैक तार लगी हुई है, ये वाली ब्लैक तार दोनों कंडेंसरों से होते हुए ब्लैक तार इस पॉइंट पे आ रही है और यहाँ से इस कॉइल के थ्रू रिले से होके यहाँ से स्पीकर के लिए बाहर चली जाती है, इसके अंदर ये है। तो मेन मकसद मेरा ये था कि मैं ये बताना चाहता था इसमें जो मॉस्फेट लगे हुए हैं ये किस प्रकार काम करते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक छोटा सा सर्किट बनाया है, थोड़ा सा आप उसको देख लो तो उससे क्या है कि थोड़ा सा समझाने मेरे को आसानी रहेगी। मैं इसको थोड़ा सा अलग रख देता हूँ, इसको आपको दिखाता हूँ। 76N25 नंबर का मॉस्फेट लगा हुआ है। अच्छा, इसमें हाई वोल्ट, जो हाई वोल्ट है वो ड्रेन के थ्रू जाती है और सोर्स के थ्रू आउट होती है, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव वोल्टेज देंगे हाई वोल्ट तो सोर्स पे आप देंगे और ड्रेन के थ्रू वापस बाहर आएगी, ठीक है। ये डायोड लगा हुआ है, इसके अंदर ये नेगेटिव सप्लाई जा रही है, यहाँ से ये इसके बीच वाले पॉइंट पर जा रही है, यानी कि इसके कैथोड दोनों मिले हुए हैं, तो ये बीच वाले पॉइंट से कैथोड जाएगी और यहाँ से एनोड से वापस आएगी। इस डायोड का काम होता है, ये बैरियर का काम करता है, ये जो है एनोड से कैथोड की ओर सप्लाई को जाने देता है, कैथोड से एनोड की ओर सप्लाई को नहीं जाने देता, इसका ये काम है। तो ये जो है यहाँ से जो हाई वोल्टेज आएगी और यहाँ से जो लो वोल्टेज आएगी इनको आपस में मिलने नहीं देता, नहीं तो वो शॉर्ट हो जाएंगी। शॉर्टिंग से बचाने के लिए ये डायोड लगाया जाता है। इसी प्रकार इधर भी वही अरेंजमेंट करा हुआ है, ये डायोड लगा हुआ है, इस डायोड ये डायोड बैरियर का काम कर रहा है,
इसके येलो वोल्टेज आई है इसके एनोड पे और इसके आई थी नेगेटिव वोल्टेज कैथोड पे। ये एनोड पे आई कि एनोड से होके फिर यहाँ से आके इस पे आ गई फ्यूज़ पे, ये फ्यूज़ लगा हुआ है ठीक है। और हाई वोल्ट पॉजिटिव ये इसके ड्रेन पे आ गई और आउट करेगा ये सोर्स से ठीक है। तो ये किस प्रकार काम करता है, ये जो मॉस्फेट है मॉस्फेट के गेट पे जैसे ही हम वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम बढ़ाने से ये स्पीकर का के यहीं से ये रेजिस्टेंस लगी हुई है ये इस पॉइंट पे आएगी, यहाँ से जैसे ही सिग्नल इसको मिलेगा यहाँ से आके इसके गेट पे आएगी सप्लाई, हल्की सी गेट पे सप्लाई आएगी, आने के बाद में ये हाई वोल्टेज जो है ड्रेन से लेके सोर्स से आउट करेगा। जितनी ज़्यादा वोल्टेज यहाँ बढ़ेगी उतनी ज़्यादा यहाँ से वोल्टेज हाई वोल्ट बाहर करेगा ठीक है। तो ये इसका सिस्टम होता है, इधर से भी उसी प्रकार ये काम करेगा, तो ये सिस्टम होता है इसका ठीक है। और समझाने के लिए ये इसका पावर सप्लाई का थोड़ा सा सर्किट बनाया है, अब ये मैं साफ साफ नहीं बना पाया क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है अच्छा सा बनाने में, लेकिन जल्दबाजी में जो भी बना मैं उससे थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है ब्रिज रेक्टिफायर, ऐसे ही एक इधर लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, चार ब्रिज रेक्टिफायर पर ये पावर सप्लाई काम कर रही है ठीक है। और जो मैंने अभी समझाया था कि कंडेंसर के थ्रू स्पीकर के लिए बाहर निकल रही है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो इसकी ये जो ब्लैक तार है इसमें जो लगी हुई है ब्लैक, एक इस चैनल की है और ये दूसरी वाली ब्लैक दूसरे चैनल की है, ये वाली एक ये यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है ये, और एक यहाँ से आ रही है, शायद आपको दिख रही होगी ये रही ठीक है। ये दोनों ब्लैक तार हैं, एक तार ब्लैक इस सर्किट में ये जो ब्लैक मैंने बनाई है ये आ रही है ठीक है, ये इस कंडेंसर पे लगी हुई है, ये पावर सप्लाई में लगा हुआ है ये कंडेंसर, उसका पावर से मतलब नहीं है पावर सप्लाई से, लेकिन ये पावर सप्लाई से ये जो डायोड लगा हुआ है ना डायोड से ये यहाँ से होते हुए इस पॉइंट पर लगा हुआ है और इसका ये नेगेटिव पॉइंट बाहर आ रहा है जो उसके लिए जा रहा है आपका स्पीकर के लिए ठीक है। और इसी पॉइंट पे एक और लगा हुआ है ये वाला, ये कंडेंसर लगा हुआ है ठीक है, ये यहाँ से लगा हुआ है नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो यहाँ से ये नेगेटिव का कंडेंसर लग गया, ये पॉजिटिव का कंडेंसर लग गया, ये दोनों मिल गए इस पॉइंट से स्पीकर के लिए बाहर निकालते हैं आउटपुट ठीक है। तो इस तरीके से ये कंडेंसर के थ्रू आउटपुट बाहर गई हुई है, मतलब जैसे कि इस वाले रेजिस्टेंस के पे वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज इसके अमीटर पे जा रही है इन रेजिस्टेंसों के थ्रू और अमीटर से ही इन्होंने साउंड आउट करी है, तो साउंड आउट करेंगे और सीधा हम लगा देंगे तो क्या होगा, स्पीकर जल जाएगा क्योंकि सप्लाई पहुँच जाएगी। तो कंडेंसर का काम क्या होता है, कंडेंसर जो होता है डीसी एसी को तो जाने देता है अपने अंदर से पास होने देता है, डीसी को पास नहीं होने देता, ये डीसी को रोक लेता है। तो स्पीकर को चलाने के लिए हमें चाहिए होती है एसी सप्लाई ठीक है, एसी सिग्नल जो होता है वो ही स्पीकर को चला पाता है, ऑडियो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो एसी होती है। तो यहाँ पर से जो ये जो ट्रांजिस्टर आउटपुट निकालते हैं वो एसी ऑडियो सिग्नल होता है, वो यहाँ से आगे अमीटर, अमीटर से कंडेंसर पे पहुँचेगा, ये वाले कंडेंसरों पे, ये कंडेंसर जो है दोनों मिलके यहाँ से नेगेटिव वाले पॉइंट से सिग्नल दे देगा, यहाँ से पॉजिटिव वाले पॉइंट से सिग्नल दे देगा, ये अमीटर पे जा रहे हैं, ये वाली अमीटर पे जा रही है और ये वाली भी अमीटर पे जा रही है, ये अमीटर से आके दोनों यहाँ से बाहर आएंगी और यहाँ से स्पीकर के लिए आपको
स्पीकर पॉइंट पे पहुंच जाएंगी। उसके बाद में यहाँ पे कॉइल लगी हुई है, ये काली तार आ गई, यहाँ पर ये काली तार आ गई है, कॉइल लगी हुई है, कॉइल के बाद ये रिले लगी है, रिले से स्पीकर के थ्रू बाहर आवाज़ आ जाती है हमें, तो इसके लिए ये सिस्टम बना हुआ है। और जो मैंने अभी आईसी दिखाया था, ये जो आईसी लगा हुआ है ना, इसमें 55-32 ये दोनों लगे हुए हैं, एक ये लगा हुआ है इस वाली साइड के लिए, एक ये 55-32 लगा हुआ है इस वाली साइड के लिए। जैसे ही साउंड इसके ऊपर स्पीकर पॉइंट से साउंड आएगी, तो साउंड जो है इसके गेट पे आएगा और यहाँ का इधर से इसके गेट पे आएगा मॉस्फेट के, ठीक है। जैसे ही आवाज़ थोड़ी सी बढ़ेगी तो उसी हिसाब से हाई वोल्टेज इसको मीटर को मिलेगी, ठीक है। और जिस टाइम पे इसकी आवाज़ नहीं होती है या ऑन नहीं होता तो लो वोल्टेज पे काम करता है। अच्छा, कई बार प्रॉब्लम आती है, जैसे कि हमने वॉल्यूम खोली, वॉल्यूम खोलने के बाद में एक सीमा के बाद में आवाज़ बढ़ना बंद हो जाती है, मतलब आधा ही वॉल्यूम खुल पाता है या चौथाई वॉल्यूम खुल पाता है, चौथाई में आवाज़ आती है, उसके बाद में वॉल्यूम खोल दो आवाज़ बढ़ती नहीं है। उसका कारण क्या होता है? उसका कारण यह होता है कि जो उसकी लो वोल्टेज पे तो ये काम कर रहा होता है एम्पलीफायर, उस टाइम पर लो वोल्टेज जा रही है ना, ये लो वोल्ट यहाँ से ये आ गई फ्यूज़ पे, फ्यूज़ ये चला गया मीटर पे, ऐसे इधर से भी ये लो वोल्ट आ गई, ये यहाँ से आ गई इसके मीटर पे। लेकिन हाई वोल्ट जो है ये उसकी काम नहीं कर रही होती उस टाइम पे, जब हाई वोल्ट काम नहीं करेगी, हाई वोल्ट मिलेगी नहीं उसको, तो आप वॉल्यूम पूरी खोलो जितने बजे खोलो वो तो लो वोल्ट के बराबर ही काम करेगी, जितने लो वोल्टेज में चल सकता है वो एम्पलीफायर उतना ही काम करेगा। तो उस वक्त आप ये हाई वोल्ट भी चेक करो, अगर ये हाई वोल्ट अगर उस टाइम पे नहीं आ रही है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इतना बात तो बता दिए, और कुछ भी आपको इसके बारे में जानकारी लेनी हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये देख लो, ये सर्किट आपके सामने है, 4 चैनल का है, और मुझे तो ये अच्छा एम्पलीफायर लग रहा है, मजबूत एम्पलीफायर लग रहा है। मजबूत होने का कारण ये है कि इसका कलेक्टर जो है ना, ये सीधा इसमें माइका नहीं लगी हुई, सीधा हीट सिंक पे कसा हुआ है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि जैसे ये हीट होगा ना ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर हीट होगा तो इसकी हीट सीधी हीट सिंक में चली जाएगी, ये और हीट सिंक मतलब एक ही रेशियो में हो गए, तो जैसे हल्का सा हीट होगा तो हीट सीधी हीट सिंक में पहुंच जाएगी तुरंत, इसमें बीच में माइका नहीं लगी हुई, तो ये अर्थ है, ये भी अर्थ है, इस हिसाब से ये बना हुआ है। तो ये तो मेरे को तो अच्छा लगा, पसंद भी आया है और कामयाब भी है सेट। तो आप देख लो ये सेट कभी भी रिपेयर के लिए आए। अच्छा, इसमें हम जब चेक कर रहे थे, जैसे कि कई बार हम लगे लगे में चेक कर लेते हैं, हमारा आइडिया रहता है हमारे को लगे लगे में, इसको हम लगे लगे में चेक नहीं कर सकते क्योंकि जो इसका मॉस्फेट अगर शॉर्ट है तो ये सबको ही शॉर्ट बताएगा, क्योंकि मॉस्फेट ही शॉर्ट है, सप्लाई जा रही है शॉर्ट है, अमीटर सारे मिले हुए हैं इसके, कलेक्टर सारे मिले हुए हैं इसके, ठीक है, ये शॉर्ट हो गया तो वो सारा सबको शॉर्ट बताएगा। तो इसलिए सावधानी से इनको एक एक करके अपने तरीके से सुविधा अनुसार इनको चेक करना पड़ता है, अगर एक भी ख़राब होगा तो सबको ख़राब बताएगा, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें और इसको समझें ताकि आपको सुविधा रहे। और मैं इसके बारे में और भी जानकारी कर ले के अच्छी सी वीडियो एक और बनाऊंगा, जिससे आपको पूरी तरीके से फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर वीडियो अच्छी लगती है, मेरी मेहनत में आपको थोड़ा सा मतलब लगता है कि भाई मेहनत करी है। अब ये जो सर्किट है, ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये वाला, ये मैंने इसमें से ट्रेस कर करके बनाया है। अब ये जो है डबल है बोर्ड, तो इसमें से इसमें ट्रेस करना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है, फिर भी मैंने जैसे मर्जी करके आपके लिए ये बनाया, ये इसलिए बनाया ताकि मैं आपको थोड़ा बहुत समझा सकूं और आपको मतलब
समझ में आसानी से आ जाए। जिन लोगों को जानकारी है उनके लिए तो कोई बात नहीं है, उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जिनको जानकारी नहीं है उनके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और मेरे को सहयोग करें ताकि मैं भी आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियो बना के लाता रहूं, ताकि आप आगे बढ़ें, तरक्की करें, उन्नति करें। नमस्कार।